बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। श्रीसंत कालकोठी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी घर वालों के बार बार कहने के बाद श्रीसंत कालकोठी में चले गए। लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने बिग बॉस के खिलाफ मुहिम खोल दी है। उन्होंने बिग बॉस से कहा कि बिग बॉस, आप जो यहां पर कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने बिग बॉस जैसा घटिया शो आज तक नहीं देखा। कैसे ट्रीट करते हो आप लोगों को? जो लोग यहां पर इतनी गलतियां करते हैं, बाल नोचते हैं, उनको आपने बाहर भेजा है, और जो लोग यहां पर कुछ करते नहीं है, बिना कुछ किए धरे, वो यहां पर जेल में बैठे हैं। आई स्वेयर आई एम डन विद दिस शो। और अपनी नाराजगी जताने के लिए वो बिग बॉस से कहते हैं, बिग बॉस मैं आपको ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये दुनिया का सबसे घटिया शो है, और जिस तरह से आप हमें ट्रीट कर रहे हैं, बिना कुछ गलत किए आप हमें कालकोठरी की सजा दिला रहे हैं। ये जो कुछ भी इस घर में मेरे खिलाफ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और इतना कहकर श्रीसंत अपना माइक निकाल कर फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं पहन रहा इसे, आई एम डन। वहाँ पर जसलीन श्रीसंत को समझाती है कि श्रीसंत आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन ये सब करके आप वो गलती कर रहे हो, प्लीज माइक पहन लो। लेकिन इसके बाद भी श्रीसंत माइक नहीं पहनते हैं। फिर बिग बॉस उन्हें कहते हैं, श्रीसंत आप माइक पहन लीजिए। बिग बॉस की बात सुनकर भी श्रीसंत उन्हें इग्नोर करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और माइक वही पड़ा रहता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।